हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने जावा को यूज़ करके इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी तक हम लोग देखते हैं कि कितना फॉर्म हम लोग ने कंप्लीट किया था। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो हम लोगों ने बनाया था ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें हम लोग ले रहे थे नाम और हम लोग ले रहे थे पासवर्ड और हम लोग ले रहे थे ईमेल। और हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हम सबमिट कर रहे थे तो हमारा सारा डेटा सेव हो जा रहा था डेटाबेस में। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक फील्ड हम लोग इमेज की ऐड करें और नाम पासवर्ड ईमेल के साथ साथ हम लोग इमेज भी यहाँ पे दे पाएँ और वो इमेज डेटाबेस में जाके सेव हो जाए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे एक फील्ड बनाएंगे जिससे कि इमेज सेलेक्ट कर पाएँ। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कोडिंग। तो हम लाएंगे नेटबीन्स में और ये हमारा पेज है। तो हमारा ये फॉर्म है, हम लोग क्या करेंगे, बटन से ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक फील्ड। तो हम जाएंगे मटेरियल सीएसएस की वेबसाइट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे मटेरियलाइज सीएसएस। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा इमेज फील्ड या फिर टेक्स्ट फील्ड, जिसका टाइप होगा फाइल, जिससे कि हम इमेज को सेलेक्ट कर पाएँ। और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इनपुट टेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए, नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फाइल इनपुट का। तो अगर आपको सिंगल फाइल चाहिए तो आप यहाँ से सिंगल फाइल वाला ये वाला कोड कॉपी कर सकते हैं, और अगर आपको मल्टीपल फाइल चाहिए तो ये वाला कॉपी। तो हमको सिर्फ देखिए फॉर्म टैग नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे यहाँ फाइल फील्ड वाला टैग लेंगे सिर्फ, और इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे और अपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे बटन के जस्ट ऊपर, और हम इसको फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करने का शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट और एफ नेटबीन्स में। और हम लोग आएंगे अपने पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो इसको हम बंद कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। जैसे फिर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ गया फाइल का। अब ये बटन है एक्चुअली, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर स्ट्रक्चर समझो तो एक्चुअली क्या है, डिव है, उसके अंदर एक बटन है, उसके अंदर आपकी एक इनपुट फील्ड है, जिसके अंदर आप कोई डेटा अगर सेलेक्ट करते हो तो इनपुट फील्ड में डेटा आ जाता है। जैसे लेटर सपोज हमने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पर नाम आ जा रहा है, तो ये डायनेमिक इस वाले फील्ड में नाम आ रहा है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिंपली क्या करना है, इस वाली फील्ड से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं। अगर आप टेक्स्ट फील्ड का कुछ चेंज वेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमने अगर इसका ब्लू कलर कर दिया तो देखिएगा बटन का कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस इनपुट फाइल से मतलब है। ये सारी चीज़ें तो सिर्फ इसको स्टाइल करने के लिए सिर्फ लिखी गई हैं इसको, अदरवाइज आप सिर्फ इनपुट फाइल भी लिख देते तब भी आपका काम चल जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक नाम दे देंगे नेम, जिससे कि हम लोग सर्वलेट पे इसको फेच कर पाएँ। तो हम लोग क्या करेंगे, नाम दे देंगे, और नाम दे देंगे यहाँ पे इसका नाम दे देंगे इमेज, सिंपली इमेज नाम दे दिया। आप जो भी नाम दे दोगे यहाँ पे समझ लीजिए वही, उसी नाम से आपको सर्वर पे सर्वलेट पे फेच करना है, सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे चलेंगे कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग सिंपली सीरियलाइज करके डेटा भेज रहे थे सर्वर पे। तो अगर आपके फॉर्म में सिर्फ टेक्स्ट फील्ड्स हैं तो आप सीरियलाइज करके नॉर्मल स्ट्रिंग बना के डेटा भेज सकते हो, बट अगर आपके फॉर्म में इमेज भी है तो इमेज के केस में सीरियलाइज करेंगे तो इमेज सीरियलाइज नहीं हो पाएगी, स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। तो अगर आपके फॉर्म में सिर्फ टेक्स्ट डेटा है, दैट मीन्स फील्ड्स हैं, तो आप इस ये वाला तरीका यूज़ करोगे। हमें अगर इमेज भेजना है तो हम क्या करेंगे, इसको सीरियलाइज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल बनाएंगे। तो आप वेर यूज़ कर लीजिए, या अगर आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट समझते हैं तो आप लेट यूज़ कर सकते हो, लेट फॉर्म डेटा। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे फॉर्म डेटा का, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अपना दिस मतलब अपना फॉर्म पास कर देंगे, सिंपल है। तो अगर आपके पास ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर इमेज भी है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इमेज अपनी पूरे फॉर्म को यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो URL ये रजिस्टर पे सबमिट होगा, एफ डेटा जाएगा, टाइप पोस्ट जाएगा, सक्सेस पे ये कॉल होगा और एरर पे ये कॉल होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो हम लोग और एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, एक है प्रोसेस डेटा और इसको फॉल्स कर देंगे, एंड नेक्स्ट कंटेंट टाइप हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, सिंपली हम कंटेंट टाइप नहीं बताएंगे इसको, ठीक है। इतना काम कर देंगे तो हमारी इमेज भी इस फॉर्म के साथ चली जाएगी। तो अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इमेज नहीं भेजना है तो आप सीरियलाइज करके भेज दीजिए, बट अगर आपको इमेज भेजना है तो आपको फॉर्म डेटा का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, अब हमारी यहाँ की कोडिंग हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे सर्वर पे। तो हम चलते हैं अपने URL रजिस्टर सर्वलेट पे। तो हम अपना रजिस्टर सर्वलेट ओपन कर लेंगे, रजिस्टर सर्वलेट यहाँ पे।
और बेसिकली हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चीज़ें देखेंगे कि क्या इन सब के साथ में हमारी वो इमेज भी आ रही है। तो इमेज को फेच करने के लिए हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नहीं यूज़ करना, आपको यूज़ करना है मेथड गेट पार्ट, और यहाँ पे अपनी फील्ड का नाम पास कर देना। तो हमारी फील्ड का नाम था इमेज, सिंपल। और हम लोग को ये जो मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो एज अ पार्ट मिलेगा, नॉट स्ट्रिंग। तो ये पार्ट एक टाइप है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेज टाइप के कंटेंट या फाइल टाइप के कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। अब हम इससे निकाल सकते हैं, अपना इमेज इनपुट स्ट्रीम मिल जाएगा जिससे हम डेटा रीड कर पाएंगे, या फिर मुझे इमेज का नाम भी मिल सकता है, सारी चीज़ें, या फिर फाइल हो, कोई ज़रूरी नहीं ये इमेज हो, फाइल भी हो सकती है, ठीक है। तो और एक चीज़ और करना है आपको, सर्वलेट को एनोटेट करना पड़ेगा, एक एनोटेशन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है मल्टी कॉन्फिग, मल्टी पार्ट कॉन्फिग। दैट मीन्स हम जो सर्वर पे जीवीएम होगा, दैट मीन्स जो इस सर्वलेट को चला रहा होगा, उसको हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सर्वलेट जो है ये हैंडल कर रहा है एक मल्टी पार्ट फॉर्म जिसके अंदर इमेज भी रखी हुई है, फाइल भी रखी हुई है, या ऑडियो वीडियो कंटेंट भी रखा हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ रखी हुई है। तो हम इसको एनोटेशन करना ही पड़ेगा, अगर आपने एनोटेशन ही नहीं लगाया तो आप उस मल्टी पार्ट कंटेंट को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट से लगा ही दीजिए, मल्टी पार्ट कॉन्फिग। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ प्रिंट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं फाइल का नाम यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, जो फाइल आप वहाँ से भेज रहे हो। तो हम लिखेंगे फाइल नेम इज इक्वल टू पार्ट डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम। और हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देख लीजिए, पार्ट से मैंने सबमिटेड फाइल नेम निकाला, दैट मीन्स जो फाइल आप वहाँ से भेज रहे हो उसका फाइल नेम। और उसके बाद हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो हम फाइल नेम को प्रिंट कर देंगे। अगर यहाँ से फाइल नेम प्रिंट हुआ, इसका मतलब फाइल यहाँ तक पहुँच जा रही है। और हम क्या करेंगे, फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए हम इस क्वेरी को अपडेट हटा देंगे जिससे कि बार बार आपका डेटा डेटाबेस में ना जाए। तो अब हम लोग प्रोग्राम को चला के देखेंगे, वो देखते हैं क्या हमारा कंसोल पे ये चीज़ें प्रिंट हो रही है, ये चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। अगर फाइल नेम प्रिंट हो गया, इसका मतलब हमारा फाइल यहाँ तक पहुँच गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं। और कंसोल ओपन करने के बाद देखिए, इस बार मैंने कंसोल यहाँ ओपन किया। अगर आपको राइट इस तरफ करना है तो आप इस पर क्लिक करिए और ये वाला चूज़ कर लीजिए, देखिए राइट में आ गया। तो कंसोल पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर एंट्रीज़ करेंगे, कुछ पासवर्ड डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए और फाइल को चूज़ कर लीजिए। तो dp1.jpg और मैं सबमिट करूँगा इस फाइल को। तो जैसे आपने फाइल को सबमिट किया, देखिए यहाँ पे dp1.jpg आ गया नाम, उसके बाद डन आया। इसका मतलब सर्वलेट से ये dp1.jpg आ रहा है, दैट मीन्स फाइल आपकी कहीं ना कहीं सबमिट हो गई। और यहाँ पे देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ आप सक्सेस नहीं किए हो, तो इस वजह से यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। इसका मतलब फाइल हमारी पहुँच रही सर्वर तक। अब हमें क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है सर्वर पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि फाइल यहाँ तक आ जा रही है, तो हम लोग करते क्या हैं कि डेटाबेस में एक कॉलम्स हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे, ओपन करते हैं अपना एसक्यूएल योग, और एसक्यूएल योग में हम लोग एक कॉलम बढ़ा देंगे। तो यूट्यूब में आएंगे और यहाँ पे जो टेबल है यूज़र्स, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल्टर टेबल कर लेंगे, और ऑल्टर टेबल में एक कॉलम बढ़ा देंगे, हम देंगे इमेज अंडरस्कोर, या इमेज सिर्फ नेम, इमेज नेम दे देंगे। और ये बेसिकली होगा वायर कैर। हम क्या करने वाले हैं, मेरा जो आइडिया है, हम अपनी पूरी इमेज को यहाँ डेटाबेस में नहीं रखेंगे, हम सिर्फ इमेज का नाम यहाँ पे रखेंगे, और जो इमेज अपलोड होगी वो फोल्डर में अपलोड होगी। और जब भी मैपिंग करनी होगी तो नाम हम यहाँ से उठा लेंगे और इमेज अपने फोल्डर से उठा लेंगे और मैपिंग हम कर लेंगे। तो जो इमेज का नाम का जो साइज़ होगा वो हम कहेंगे 100, और इट मे बी नल नल, हम क्या करेंगे इसको सेव कर देंगे सिंपल। जैसे हम सेव करेंगे तो अगर हम इस टेबल को देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन टेबल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इन सब डिटेल, अभी ये जो हमने डिटेल्स भरी हुई हैं पहले से, उसमें कोई इमेज नहीं है। बट जब हम कोई नया डेटा भरेंगे तो यहाँ पे इमेज का नाम आना चाहिए, नॉट इमेज, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं, चलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एडमिन्स में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे ही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम और ऐड कर देंगे, और कॉलम ऐड कर देंगे इमेज नेम का, और एक क्वेश्चन मार्क और ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क है इमेज नेम का। और हम आएंगे यहाँ पे PSTMT.set string में हम लोग
यहाँ पास करेंगे चार, और यहाँ पे आपके पास फाइल नेम तो ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे वही फाइल नेम यहाँ पे दे देंगे। अब होगा क्या, अगर ये एग्जीक्यूट हुआ दैट मीन्स फाइल का नाम वहाँ पे पहुँच जाएगा, और फाइल का नाम वहाँ पे पहुँच जाएगा तो हमें फाइल को भी अपलोड करना होगा इसके नीचे अपने किसी न किसी फोल्डर में सर्वर पे, तो हमें यहाँ पे अपलोड करना है फाइल। लेकिन हम एक बार टेस्ट करेंगे कि क्या फाइल नेम वहाँ पे पहुँच रहा है, अगर फाइल नेम हमारा डेटाबेस में यहाँ पे आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे अपना अपलोड वाला भी यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको टेस्ट करते हैं, तो हम फिर से कंसोल ओपन करेंगे और हम इस पेज को सिंपली क्या करते हैं यहीं पर सबमिट कर देते हैं, दैट्स इट, और इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हम सबमिट कर देंगे, जैसे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सक्सेस आ गया। अब हम एक बार डेटाबेस चेक करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख पाओगे यहाँ पे देखिए नया ये यूज़र आया है और इसके देखिए dp1.jpg यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे नाम आ चुका है। अगर आप देखो दूसरी फाइल सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया dukeblog.gif और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा सब लोग, जैसे मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक और इमेज यहाँ इमेज का नाम आ गया dukeblog.gif। इसका मतलब नाम यहाँ तक आ जा रहा है। अब हम फाइल को भी क्या कर देते हैं अपलोड कर दें तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसके नीचे फाइल अपलोड का काम। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट से एक इनपुट स्ट्रीम मुझे मिल सकती है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पर देखिएगा इनपुट स्ट्रीम का, और इनपुट स्ट्रीम is इज इक्वल टू पार्ट डॉट गेट स्ट्रीम, तो हमें पार्ट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, तो हमें क्या हुआ इस पार्ट से एक स्ट्रीम मिल गई is, इस is में डेटा रखा हुआ है, तो is से डेटा रीड करके हम एक बाइट टाइप की एरे बना लेते हैं, बाइट डेटा, और हम कहेंगे न्यू बाइट, और हम इस बाइट का जो साइज़ देंगे is डॉट अवेलेबल, जितनी बाइट अवेलेबल होंगी उतना साइज़ हम दे देंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, हम is डॉट रीड डेटा को रीड करेंगे और उस डेटा वाले वेरिएबल में रख देंगे, दैट मीन्स ये लाइन चलेगी तो होगा क्या, इस is से डेटा रीड हो जाएगा और आपके इस पूरे पूरे एरे में आ जाएगा यहाँ पे एरे, जैसे ही लाइन चलेगी डेटा आपका इस डेटा वाले बाइट वाले एरे में होगा। तो हमें एक बनाएंगे हम लोग क्या बना लेते हैं एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। बेसिकली मैं राइट करने जा रहा हूँ, और राइट करने में सबसे बड़ी दिक्कत हुई होगी क्या, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे फाइल क्या पास करोगे, तो हम लोग क्या करते हैं एक फोल्डर हमारे पास इमेजेस का है, और इमेजेस के फोल्डर में ही हम क्या करते हैं इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं इमेजेस की फोल्डर में ही, तो हम लोग को एक पाथ बनाना होगा, तो हम लोग चलिए पाथ भी बना लेते हैं, तो हम एक स्ट्रिंग पाथ ले लेते हैं और हमें चलना है इमेजेस तक का। तो सबसे पहले तो आपको रूट फोल्डर तक चलना होगा, दैट मीन्स वेब एप्स तक चलना होगा जिसको हम लोग वेब बोलते हैं। तो हम यहाँ करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट रियल पाथ, और हम यहाँ पे अगर हम रियल पाथ कॉल करते हैं गेट रियल पाथ और अगर इसमें हम ऐसे स्लैश पास कर दे रहे हैं तो ये हमारे यहाँ तक का पाथ देगा वेब पेजेस तक का। आपको मैं अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो देखिएगा ध्यान से सब लोग, जो उसने गेट रियल पाथ ने क्या किया है, गेट रियल पाथ ने हमारे ये हमारा एक्चुअली फोल्डर है प्रोजेक्ट का रजिस्टर, इसके अंदर देखिए बहुत सारे फोल्डर हैं, तो गेट रियल पाथ ने क्या किया है वेब तक का हमें पाथ दे दिया, ये पाथ दे दिया, अभी मैं प्रिंट करके भी दिखा दूंगा ये पाथ दे दिया। तो हमें उस पाथ में ऐड करना है इमेज, पहले स्लैश ऐड करना है फिर इमेज ऐड करना है तो हम पहुँच पाएंगे यहाँ तक। तो चलिए ऐड करते हैं, हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग इमेज ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे स्लैश। तो फ्रेंड्स स्लैश में बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली, विंडोज़ में स्लैश ऐसे ऐड करोगे और लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो स्लैश ऐसे ऐड करते हैं, तो आपकी जो सॉफ्टवेयर की जो प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर आप ऐसे यूज़ कर लोगे तो लिनक्स के लिए हो जाएगा, और अगर आप ऐसे यूज़ कर लोगे तो विंडोज़ के लिए हो जाएगा। तो अगर आपको दोनों फाइल मतलब प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंट बनाना है तो आप यहाँ पर लिखिए फाइल डॉट सेपरेटर। अब क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट अगर लिनक्स पे चल रहा होगा तो backslash तो ये वाला स्लैश लग जाएगा, और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है विंडोज़ पे चल रहा है तो ये अपने आप ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद आप अपने फाइल का नाम डाल दीजिए, तो फाइल का नेम ऑलरेडी आपने एक वेरिएबल में रखा हुआ है, ये वाला पाथ बन गया। इस पाथ को मैं एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये पाथ एक्चुअली बना क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं आउट डॉट प्रिंट ln और हम लोग इसमें पाथ को प्रिंट कर देते हैं, तो हमें इमेज फोल्डर तक का पाथ साथ ही साथ में फाइल नेम अपेंडेड होना चाहिए, ठीक है। और हम एक बार इसको अपडेट हटा देंगे जिससे कि हमारा डेटा जाए ना वहाँ पे,
और इस जो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग एक बार चला के देखते हैं, और बेसिकली हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि ये पाथ में क्या वैल्यू आ रही है। तो सिंपली मैं सबमिट करता हूँ, तो आप देख पाओगे यहाँ ई ड्राइव बैचेस न्यू फोल्डर रजिस्टर विल्ड वेब इमेज दिखे, सिंपल पूरा पाथ यहाँ पे आ गया। बस हमें क्या करना है, इसी पाथ पे अपनी इमेज को राइट कर देना है। तो राइट कैसे करेंगे, सिंपली हम चले दिखा देते हैं। तो हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम, देखिए हम यहाँ पे पास कर देंगे अपना पाथ, और सिंपली हम लिखेंगे fs.write, और हम डेटा, क्योंकि सारा डेटा आपने रीड करके किस में डाल दिया था, सारा डेटा आपने IIS से रीड किया था, इस डेटा वाले एरे में डाल दिया था। और सिंपली जब आपने fos.write बोला, तो इस डेटा का जितना भी डेटा था एरे के अंदर, वो सारा fos पे चला गया। और fos मतलब पाथ, पाथ मतलब आपकी फाइल जहाँ पे रखी है। सिंपल डेटा अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या करिए, fos अपनी फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दीजिए, और डन, यहाँ से ऑलरेडी प्रिंट हो ही रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, और भी जो हम लोगों ने ऊपर फाइल नेम प्रिंट किया था उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे फाइल क्लोज हो गई, उसके बाद हम लोगों ने एक मैसेज दिया डन। अब हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में अपडेट, ये जो था वो क्वेरी को अपडेट कर रहा था, दैट मीन्स इंसर्ट कर रहा था, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कमेंट हटा देंगे, जिससे कि अब हमारा जो वैल्यूज़ हों डेटाबेस में चली जाएँ और फाइल भी हमारी अपडेट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, डिटेल्स फेच करेंगे, डालेंगे सारी डिटेल फिल करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक फ़ाइल चूज़ करेंगे। तो फाइल में मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पाइथन या कोई भी चूज़ कर लीजिए, हम लोग चूज़ कर लें dp1.jpg, और हम इसको सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट करेंगे, देखेंगे क्या हमारी फ़ाइल का नाम डेटाबेस में जा रहा है, साथ ही साथ फोटो अपलोड हो रही है। तो जैसे हम सबमिट करेंगे, तो देखिए डन सक्सेस, और यहाँ भी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब हम लोग आते हैं डेटाबेस में और इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे आपने रिफ्रेश किया, तो देखा यहाँ पे हमारा नाम आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल आईडी आ गई, और फोटो आ गया। अब हम चेक करते हैं कौन सा फोल्डर, भाई अब हम चेक करने जा रहे हैं ये वाला फोल्डर, क्या इमेजेस फोल्डर में डेटा आया है, इस फाइल कोई फोटो आई है इस वाली फाइल के नाम से। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने, देखिए सबसे पहले चीज़ ये है हमारा फोल्डर मेन, उसके अंदर हमारे पास देखिए एक वेब, यहाँ पे ये हम लोग लिख रहे हैं, बेसिकली इसमें हम लोग लिख रहे हैं। तो जो अपलोड होगा सर्वर अपलोड करेगा, वो यहाँ पे अपलोड नहीं करेगा, आप आ जाइएगा बिल्ड में, क्योंकि ये सारा ये वाला फोल्डर इंपॉर्टेंट है जो सर्वर बिल्ड करता है, उसके अंदर वेब में आ जाएगा, उसके अंदर आप इमेजेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे dp1.jpg ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हम फिर से दूसरी फोटो अपलोड करते हैं। देखिए ये वाली फोटो अपलोड कर रहे हो, नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, नाम में क्या कर दे रहा हूँ, राहुल, नाम में राहुल कर दे रहा हूँ, और फिर हम इसको सबमिट करते हैं। ध्यान से देखिएगा फिर से, तो यहाँ पे देखिए फिर से सक्सेस आ गया, और फिर से मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, और देखिए राहुल इनका पासवर्ड, और यहाँ पे इनकी फ़ोटो, और अगर हम फिर से देखिए, ये देखिए फ़ोटो आ गई, इसका मतलब सर्वर पे फ़ोटो अपलोड हो जा रही है और उसका नाम हमारे डेटाबेस में आ जा रहा है। तो हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया था, सिंपली स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने काम किया। सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ डिटेल्स ली, सिर्फ नेम लिया, टेक्स्ट फील्ड लीज, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे हम लोग फाइल को भी अपलोड करा सकते हैं। अब अगर आपको चेक वगैरह लगाना है, तो आपका आपको फाइल का नाम यहाँ पे मिल ही जा रहा है, आपको फाइल का नाम इसमें मिल ही जा रहा है, आप क्या करिए सबस्ट्रिंग लगा के .png चेक कर लीजिए, .doc फाइल चेक कर लीजिए, कुछ भी चेक कर लीजिए, और यहीं से आप क्या कर दिए, आप रिस्पॉन्स दे दिए कि भैया आपकी फाइल हमारे कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही, इसीलिए हम अपलोड इसको नहीं करा पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि इस वीडियो में तो फाइल अपलोड हो गया, दैट मीन्स हमारा रजिस्टर वाला जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली बन गया है, जिसमें आप फोटो भी अपलोड करा सकते हो, नाम, पासवर्ड, ईमेल, सारी चीज़ें अपलोड करा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बगल में यहाँ पे जितने यूज़र रजिस्टर हैं उनका नाम, ईमेल और उनकी फ़ोटो दिखा देंगे, या इस बगल में या फिर नीचे कहीं भी दिखा देंगे, जिससे होगा क्या, आपको एक बार कॉन्फर्मेशन हो जाएगा कि भैया सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हो उसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अब जो ट्रेंड में डिज़ाइनिंग है वो AJAX बेस्ड ही है, तो आपको ऐसे ही फॉर्म बनाना चाहिए, पुराने ट्रेडिशनल तरीका नहीं फॉलो करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।